चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और पहलवानों के प्रदर्शन पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, ये बयान आपको बता रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का। पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले ब्रजभूषण, दिल्ली पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, दिल्ली पुलिस की जांच जारी है और एक भी आरोप साबित हो गया फांसी पर लटक जाऊंगा। ये बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का आपको बता रहे हैं। तो पहलवानों के प्रदर्शन पर ब्रजभूषण का बयान, एक भी आरोप साबित होगा तो फांसी पर लटक जाऊंगा। पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर की महापंचायत खत्म, राकेश टिकैत ने बड़े आंदोलन की ओर किया इशारा। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर की महापंचायत खत्म हो गई है और राकेश टिकैत ने बड़े आंदोलन की ओर इशारा किया है। राष्ट्रपति से मिलेंगे खाप प्रतिनिधि, राकेश टिकैत का यह बयान। कुरुक्षेत्र में होने वाली पंचायत में आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला होगा। दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन पर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर कहा कि आरोप साबित हो जाएगा तो फांसी पर लटक जाऊंगा। वहीं दंगल में खाप पंचायत की भी एंट्री हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि इस मसले पर खाप के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। जरूर है कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंजाब ने कहा कि एक पुरानों के राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधि मिलेगा, सरकार से मिलेगा, और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं। यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह की थोड़ी राहत उनको मिलती हुई दिख रही है। इस मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को जांच में नाबालिग पहलवान के बालिग होने की पुष्टि करने वाले सबूत मिले हैं। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के ऊपर जो यौन शोषण का आरोप लगाया है उसमें सांसद ब्रजभूषण को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। दो FIR सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच में जिस महिला पहलवान ने खुद को नाबालिग बताते हुए सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी उसकी जांच में उसके हरियाणा के कस्बे के स्कूल के जब दस्तावेजों को खंगाला गया तब पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उसका जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर यह पता चला कि जिस समय छेड़छाड़ की घटना का जिक्र इस महिला पहलवान ने खुद को नाबालिग बताते हुए किया था उस समय वो बालिग थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस स्थिति में कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट रखी जाएगी और आने वाले दिनों में सांसद ब्रजभूषण के ऊपर से पोस्को एक्ट की धारा हट भी सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डॉग पालने वालों के लिए खुशखबरी है। नोएडा अथॉरिटी ने लोगों को डॉग पार्क की सुविधा उपलब्ध कराई है और नोएडा में देश का तीसरा और उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क बनकर तैयार हो गया है। शहर के सेक्टर 137 में यह डॉग पार्क बनाया गया है। देखिए